कोरोना के चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसको लेकर सरकार ने मोहल्ला क्लास की शुरुआत की, जहां शिक्षक हर गली मोहल्लों में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहीं उनकी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में भी एक शिक्षिका मोहल्ला क्लास के माध्यम से बच्चों में शिक्षा की अलग जगह रही है, जहाँ शिक्षिका छुट्टी होने के बावजूद भी बच्चों को पढ़ाने गाँव आती है और उनका अध्ययन पूरा कराती है, जिनकी हर कोई तारीफ भी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए मोहल्ला क्लास लगाने के आदेश दिए थे, जिसका पालन कोरिया जिले में बेहतर तरीके से किया जा रहा है, जहां छुट्टी के दिन भी शिक्षक बच्चों के बीच पढ़ाई की अलग जगा रहे हैं। ऐसी ही खबर भरतपुर सोनहत विधानसभा से सामने आई है, जहां शंकरगढ़ ग्राम पंचायत की एक शिक्षिका अपने कर्तव्यों का पालन बेहतर तरीके से कर रही है। बता दें, मीना जायसवाल प्राथमिक शाला में शिक्षिका के रूप में पदस्थ हैं, जो अपने कामों के प्रति सजग रहते हुए बच्चों को पढ़ा रही हैं और उनका कोर्स पूरा कराने में विशेष सहयोग दे रही हैं। मैं अभी मतलब 3-4 महीने से चला रही हूँ मोहल्ला क्लास, बीच में बंद कर दी थी। पहले ये मैं हर पारा में चला रही थी शिक्षक साथियों के हेल्प से, लेकिन उसमें ये समस्या हो रही थी कि जैसे एक पारा के बच्चे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, या वहाँ के शिक्षक साथी जैसे उनको भी काम रहता है तो वो नहीं करा पा रहे थे, कंटिन्यू नहीं करा रहे थे। इससे इनका जो मैं चाह रही थी कि मैं इनको बेसिक चीजें याद करा पाऊँ, वो चीजें नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मैं अभी स्कूल के पास ही हमारा एक मोहल्ला क्लास में अभी चला रही हूँ, जहाँ है तो यहाँ क्या है, सारे गाँव के बच्चे ये सेंटर में है क्योंकि, तो यहाँ आ जा रहे हैं और मेरे को इनके सिलेबस से इनके सिलेबस को मैं ज्यादा ध्यान में नहीं दे रही हूँ। मैं ये इसलिए भी स्टार्ट किए क्योंकि जैसे हमारे बच्चे तो ट्यूशन पढ़ ले रहे हैं, हम उन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गांव में ऐसा माहौल नहीं है, ना यहाँ के बच्चे ट्यूशन पढ़ सकते हैं, ना यहाँ के पेरेंट्स इन बच्चों पे ध्यान दे सकते हैं। हम इसीलिए यहाँ पे अभी ये मोहल्ला क्लास स्टार्ट किए हैं, ताकि बच्चों की जो बेसिक चीजें उनको मैं कंटिन्यू रख सकूँ, इनको याद करा सकूँ, और ये मोहल्ला क्लास को मैं इसीलिए चला रही हूँ। वही मीना जायसवाल ने बताया है, लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने से शिक्षा के क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ा है, बच्चे घर में ही कैद होकर रह गए हैं, जिससे उन्होंने बच्चे को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है और उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो इसलिए वो लगातार बच्चों को पढ़ा रही है। वही कोरोना के तहत जारी गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है और अच्छा लग रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, अभी हमारी संख्या भी यहाँ दर संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है और बच्चे भी चाह रहे हैं कि मैडम स्कूल आप डेली चलाइए, संडे को भी चलाइए बोलते हैं, छुट्टी के दिन भी चलाइए। तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाती मैं इनको, एक गेम खिला देती हूँ बच्चों के मतलब नॉलेज के अनुसार, सब्जेक्ट वाइज कुछ, और बेसिक चीजें बताती हूँ जो कि इनको बहुत जरूरी, क्योंकि आगे की क्लास में इनको अगर वो बेसिक चीजें नहीं रहेंगी तो बोलते हैं न्यू हमारे बच्चों की प्राइमरी ही होती है, ये प्राइमरी न्यू ही अगर बिगड़ गई तो आगे इनको बहुत दिक्कत होगा। तो मेरे बच्चे या इस गांव के बच्चे जैसे भी हैं, तो इसीलिए उनको मैं ये कंटिन्यू की हूँ और आगे भी करूँगी। कोरोना महामारी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, वही शिक्षिका मीना जायसवाल के गांव में भी महामारी का भयंकर प्रकोप रहा, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए बच्चों के बीच पढ़ाने के जज्बे को जिंदा रखा है और बच्चों को 3 घंटे तक रेगुलर पढ़ाया है, जिससे हर कोई शिक्षिका मीना जायसवाल के कामों की सराहना करने से थक नहीं रहा है और उनका हौसला अफजाई करते हुए तारीफों के पुल बांध रहा है। साधना न्यूज चैनल भी ऐसी शिक्षिका के कामों की तारीफ करता है और उन्हें सल्यूट करता है। कोरिया से संवाददाता शराफत अली की रिपोर्ट।